भूजनी हिना ने गड़े टूपो आपीने पतिए करी हत्या। भूजना गणेशनगर में बे दिवस अगाउ शंकास्पद संजोगों में घर माथी मृत हालत में मड़ेली 28 वर्षीय परिणीता ना अपमृत्युनो बनाव पोलिस ने आशंका मुजब ज आत्महत्या नहीं पर हत्यानो होवानो स्पष्ट थयुं छे। जामनगर में निष्णात तबीबों की पेनल पास मृतदेह करायेला पोस्टमोर्टम में तेनु मौत गड़े टूपो आववाथी निपजी होवानो स्पष्ट थयुं छे। हत्यारो बीजो कोई नहीं पण हिनाए जेनी जोड़े भवोभवना फेरा लीधा हता ते भरथार दिनेश रमेश भाई गुसाई निकळ्यो छे। मांडवी रहता हतभागीना पिता गोविंदपुरी गुसाईए भूज ए डिविजन पोलिस मथके जमाए विरुद्ध गत मोड़ी रात्रे हत्यानी कलमो तड़े फरियाद नोंधाव्या बाद पोलीसे दिनेशनी विधिवत धरपकड़ करी लीधी छे। बन्नेए प्रेम लग्न करेला पण लग्न बाद प्रेम उड़ी गयेलो हतो। गोविंदपुरीए फरियादमां जणाव्युं हतुं के 10 वर्ष अगाउ हिना अने दिनेशे प्रेम लग्न कर्या हता। पछीथी बने एक ज समाजना होई परिवारजनोए भेगा थई सामाजिक रीते रीत रिवाज मुजब बेउना लग्न करावी आप्या हता। हिनानो भाई अपंग छे अने हिना पण पगे सहेज खोडકાતી હતી। लग्न जीवनमां हिना पुत्रीनी माता बनी हती अने ते आजे 8 वर्षनी पुत्री छे। जो कि दिनेश आखो दिवस गाममां रखड़तो हतो अने हिना जोड़े झगड़ा करतो फरतो हतो। अनेक वार ते हिना ने पराणे पियर मांडवी मूकी आवतो हतो। 10 वर्षमां 20-25 वार हिना रिशामणे पियर आवी गई हती। संयुक्त परिवारमां रहती पुत्री जमाईने 1.5 वर्षथी सासरेथी थोड़ेक दूर गणेशनगरमां भाड़ाना मकानमां स्वतंत्र रहेवानुं शरू कर्युं हतुं। जो कि दिनेशनी आदतो सुधरी नहोती। ते मोड़ी रात सुधी बहार भटकतो रहेतो हतो। घरे पण सतत फोनमां ज मंड्यो रहेतो हतो। दिनेश हिनाने धमकी आपता कहेतो हतो कि हूँ मारी जिंदगी मारी रीते जीवीश। ते मने मारा माता पिता थी अलग कराव्यो छे जेथी हूँ तने क्यारे माफ करी शकीश नहीं अने समय आवे तने अहीं ज पतावी दईश। जो कि पतिनो अन्य छोकरी जोड़ेनो फोटो पत्नीए भाईने मोकलावेल हतो। बनावना दिवसे सवारे 8 वागे हिनाए तेनी माताने फोन करी जणाव्यु हतुं कि राशन पाणी माटे मावतरने पैसा आपवा दिनेश मारी पासे पैसा मांगे छे, नहीं मळे तो जीववा नहीं दऊं तेवी धमकी पण आपी हती। तेनो मोबाइलमां कोई छोकरी जोड़े फोटो मळ्यो छे ते हूँ मोकलू छूं पण हमणां आ अंगे दिनेश जोड़े कोई वात करता नहीं, तेने खबर पड़शे तो ते मने मारी नाखशे। दिनेशनो अन्य छोकरी जोड़ेनो फोटो हिनाए तेना भाईने व्हाट्सअप करी अने मोकल्यो हतो। ते जोईने पिता गोविंदे दीकरी जोड़े वात करता वारंवार फोन कर्या हता परंतु हिनाए फोन उपाड्या न हता। जो कि बपोरे 3 वागे दिनेशे गोविंदभाईने बनाव अंगे जाण करी जीके जनरल बोलावी लीधा हता। दिनेशे तेमने जणाव्यु हतुं कि दीकरी धारानगरमां रहती दादीना घरे गई हती। ते पोते कामसर अंजार गयो हतो। 2 वागे पाछो आव्यो त्यारे हिना घरमां नीचे जमीन पर गादला उपर ऊंधी पड़ेली हालतमां हती। तेनी जीभ थोड़ीक बहार आवी गई हती। नाकमांथी लोही निकळतुं हतुं अने गळे फांसो खाधो होवा जेवुं निशान हतुं। बहार माता अने दीकरी रोककड़ करता हता। जो कि पोस्टमोर्टम रिपोर्ट हिनाने गळे टूपो आपी हत्या कराई होवानो घटस्फोट करता दिनेशनी पोल खुली गई छे। पोलिसनी सतर्कताने लीधे हत्यानो गुनो डिटेक्ट थयो छे। हत्यानो आ गुनो पोलिसनी सतर्कताना लीधे बहार आव्यो छे। हिनानी लाशने हॉस्पिटले लई गया बाद पतिए आपेला बयान मुजब प्राथमिक तबक्के अकस्मात मौत तरीके बनावनी नोंध पड़ी हती। परंतु पोलिस इंस्पेक्टर प्रकाशकुमार एम चौधरीए हॉस्पिटले दौड़ी जई मृतदेहनुं निरीक्षण कराता तेमज बनावना संजोगोनी माहिती मेळवाता तेमज घटना आपघातनी ना होवानी शंका थई गई हती। ते समये मृतक हिनाना मावतरो पण हाजर नहोता। पाछळथी पोस्टमोर्टम रिपोर्ट अने हिनाना मावतरना स्टेटमेंट परथी बनाव हत्यानो ज होवानुं स्पष्ट थई गयुं हतुं। पोलीसे दिनेशनी धरपकड़ करी लीधी छे। जो कि तेणे दुपट्टा वडे पत्नीनुं मौत निपजाव्युं होवानुं कबूली लीधुं छे।